हेलो दोस्तों, मैं उबैदर, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जगात नाके पर, जहां पर एनसीपी यूथ पार्टी के जरिए आज यहां पर एक धरना प्रदर्शन किया गया। वजह क्या है? वजह बहुत बड़ी है, क्योंकि आज हर घर में कोई ना कोई बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। इस बिना पर बन रहा है कि आगे चलकर उनको सरकार से या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आते हैं सरकार से, तो अगर वो महाराष्ट्र के अंदर आएंगे तो यहाँ के लोग वहाँ जाकर अपनी उस पढ़ाई के बेस पर, अपने उस एजुकेशन के बेस पर एक नौकरी हासिल करेंगे, एक अच्छी सैलरी उनको मिलेगी। इस बेस पर लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो प्रोजेक्ट, ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ आने की बजाय अगर वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, तो फिर उनकी पढ़ाई का मतलब क्या, उनको क्या हासिल होगा? जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो वो डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, उसका क्या मतलब होगा? आज उन्हीं चीज़ों को लेकर आज एनसीपी यूथ पार्टी ने आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा इस चीज़ से वाकिफ है कि शिंदे और फडणवीस सरकार ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं। जो उद्योग, जो भी इंडस्ट्रीज़ ये महाराष्ट्र में आनी थी, आज ये गुजरात को सौंपी जा चुकी है। महाराष्ट्र में जो उद्योग आने हैं, जो तरुणों को, जो युवाओं को रोज़गार मिलना है, वो गुजरात के गोद में जाके इन्होंने रख दिया है। इनके पीछे इनका क्या हेतु है, ये आप सब जानते हैं। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र का महत्व कम किया जा रहा है देश में। आज बड़े बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में आने हैं, वो गुजरात को सौंपे जा रहे हैं। ये क्या इसीलिए इन्होंने ये सरकार का स्थापना किया है? क्या इसीलिए इन्होंने ये जो भी इनका तरीका था, 50-50 करोड़ रुपये इन्होंने एक एक आमदार को दिए, जो इनके ऊपर आरोप हो रहे हैं, क्या इसीलिए ये हुआ था? ये सवाल इनसे सीधा आज हम कर रहे हैं यहाँ पे। आज महाराष्ट्र को इन्होंने सिर्फ हाथ में गाजर दिया है और कुछ नहीं दिया है। जब भी एक प्रकल्प जाता है, उसके बाद ये बोलते हैं कि अगला प्रकल्प हम बड़ा लेके आएंगे। उसके बाद पहले गया वेदांत फॉक्सकॉन, पहले चला गया, उसके बाद इन्होंने बोला उससे बड़ा प्रकल्प लाएंगे। अब टाटा एयरबस गया, अब बोल रहे हैं फिर से उससे बड़ा लाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है कि गाजर प्रमुख है? इस मोर्चे में हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों में इस चीज़ की जागरूकता रहे कि ये सरकार टोटली फेल हो चुका है और आने वाले चुनाव में ये सोच समझ के वोटिंग करें। एनसीपी पार्टी से धरना मोर्चा ही करेगी या इसके अलावा और भी कोई प्लान है? आज का जो आंदोलन है, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, महबूब भाई शेख, आनंद परांजपे जी, शोएब गुड्डू जी, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया है। पार्टी का जो भी आदेश रहेगा, आज हमें आदेश था कि मोर्चा करना है, तो आज हमने मोर्चा किया है। कल अगर उनका आदेश आएगा कि इससे तीव्र आंदोलन होना चाहिए, तो इससे तीव्र आंदोलन भी होगा। इससे पहले 2.5 साल तो आप लोगों की सरकार थी, तो उसमें कितने प्रकल्प जो है महाराष्ट्र में आके जो साकार हो गए? अरे भाई साहब, 2.5 साल में जो हमारी सरकार थी, उसमें ये 2 प्रकल्प तो हमने ही तो महाराष्ट्र में लाने की कोशिश की थी, जो ऑलमोस्ट फाइनल हुए थे, जो इनसे संभले नहीं और गुजरात में दे दिए इन्होंने जाके। क्या इसीलिए ये लोग ने सरकार में बैठे? क्या इसीलिए ये लोग कुर्सी में बैठे कि सारे जो प्रकल्प महाराष्ट्र में आने, वो ये गुजरात ले जाएं? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो युवा है, युवाओं ने ये आंदोलन किया। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से जितने भी रोजगार है, वो गुजरात या किसी अन्य देश में, अन्य स्टेट में जा रहे हैं। टाटा एयरबस का हुआ, उसके बाद सैफ्रॉन, जस्ट कल रात 3 बजे के सैफ्रॉन प्रकल्प भी जो है वो अभी जो है कर्नाटक में गया है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र से रोजगार चले जा रहे हैं, हर तरीके का व्यापार चला जा रहा है, मगर ये जो शिंदे फडणवीस सरकार ये चुपचाप बैठी हुई है। और इसी तरह से अगर महाराष्ट्र से रोजगार हो गए तो ये महाराष्ट्र ख़त्म होगा। इसके लिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि इस सरकार की जो ये मनमानी चल रही है, इस पर अंकुश लगाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और इसीलिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर द्वारा ये आंदोलन यहाँ किया गया है कि ये सरकार ने युवकों को खाली गाजर दिया है, तो प्रतीकात्मक हम लोग गाजर नहीं, यहाँ गाजर आज बांटने वाले थे, मगर हम लोग पब्लिक को क्यों गाजर बांटे? ऑलरेडी मोदी ने जो है गाजर पब्लिक को दिखाया नहीं, खिलाया भी है और बांटा भी है। और ऐसे ये शिंदे, फडणवीस और ये मोदी सरकार का हम लोग राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से निषेध करते हैं। और भी लोग इस पे चलेगा। आज जिस तरीके देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर पर प्रांति के लोग यहाँ पर आते हैं अपने रोजगार के लिए, आज जो शिंदे फडणवीस सरकार जो ये काम कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, 4 ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लोगों के एक रोजगार देने का काम कर सकते थे महाराष्ट्र के अंदर, और लाखों के तादाद में आज युवा बेरोजगार होने का मतलब जो कगार पे आ गए हैं।
जब भी देखा जा रहा है एक बड़ा प्रकल्प, बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता को ये गाजर दिखाया जा रहा है कि हम इससे बड़ा जो है आपको प्रोजेक्ट ला करके देंगे। इससे पहले जो फॉक्सकॉन कंपनी थी वो प्रोजेक्ट जो है ट्रांसफ़र होने के बाद ये टाटा एयरबस आया, जिसमें जो है 22,000 करोड़ की ये कंपनी थी और गुजरात में नागपुर में ये काम चालू था शिफ्टिंग का, लेकिन इसको गुजरात ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ऐसा जो सरकार, जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो शिंदे फडणवीस सरकार जो बना करके रखे है, अपनी सरकार जो चला रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ सीधे तरीके से कि ये महाराष्ट्र राज्य की सरकार है या गुजरात का कुछ सिस्टम है, ये पहले तो हमको ये क्लियर चाहिए। क्योंकि आज देखा जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर जब एक गरीब बच्चा अपनी उसकी माँ उसको पढ़ाने के लिए जो है लोन लेती है, अपना जेवर जो है गिरवी रखती है, उसको पढ़ाती है, इंजीनियर बनाती है, कहीं ना कहीं अच्छा मतलब जो है स्टेटस उसको लेकर के आती है, लेकिन उसके हाथ में आखिर में आता क्या है, ये गाजर। इसलिए हम ये आंदोलन के जरिए पूरे महाराष्ट्र के और अपने खास करके अपने भिवंडी शहर के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों के जो है उससे खिलवाड़ करती है, और इसलिए सरकार का हम निषेध व्यक्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगर ये शिंदे फडणवीस सरकार आगे भी इस तरीके का काम करते रहे तो हम इससे बढ़ चढ़ करके इंशाल्लाह आगे जो है निषेध व्यक्त करते रहेंगे। इस आंदोलन का मकसद क्या और इस आंदोलन से हासिल क्या होगा? इस आंदोलन से हासिल देखो, पूरे देश में आपको ये मालूम, हम सबको ये मालूम है कि कुछ न कुछ अगर बदलाव आया है तो आंदोलन व्यक्त करने के बाद, अपनी आवाज़ बुलंद करने के बाद बदलाव आया है। तो हम जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र राज्य में ये आंदोलन आज के दिन कर रही है, तो कहीं ना कहीं जरूर बदलाव इंशाल्लाह जरूर आएगा। आंदोलन केलाय तुमचा काय उद्दिष्ट होता, मागचा काय सांगाल? बघा, आमचा हेतू आणि उद्दिष्ट एकच आहे की महाराष्ट्राच्या तमाम तरुणांना हा रोजगार त्यांच्या हक्काचा ते भेटला पाहिजे। आज मराठी माणसासाठी शिवसेना पक्षाची स्थापना झालेली, त्या शिवसेनेतनंच एकनाथ शिंदे साहेबांचा उदय झालेला, त्यांचा मुख्य उद्देश आज मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हेच असला पाहिजे की मराठी माणसाचा आणि इथे राहणाऱ्या तमाम तरुणांचा त्यांना रोजगार भेटला पाहिजे। आज तुम्ही बघत असाल तर प्रत्येक उद्योग, ह्याच्या अगोदर वेदांत फॉक्सकॉन असेल, आता टाटा एअरबस असेल, हे प्रकल्प गुजरातला गेलेत, ह्याच्यासाठी त्यांनी काहीच नाही केलं आहे। आणि जेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया ह्याच्यावर विचारली जाते तर ते एकच बोलतात की ह्याच्यापेक्षा मोठा प्रकल्प आणू। अरे, ह्याच्यापेक्षा मोठा प्रकल्प आणण्यासाठी मागचे जे प्रकल्प होते ते तरी व्यवस्थित ठेवा। आज इथले तरुण काय गुजरातला जाऊन नोकरी करतील? हा प्रश्न आमच्या मनात प्रत्येकाच्या तरुणांमध्ये आहे आणि त्यांचा एकच उद्देश आहे, मला वाटतं ते लोकांना गाजर देत आहेत। जसं केंद्रात मोदी सरकार लोकांना गाजर देते, तसं आता महाराष्ट्रात पण गाजर सरकार आलेलं आहे।